भारत की चौतरफा रणनीति का असर। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने लगे चीन के सैनिक। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी विवाद में भारत की चौतरफा रणनीति का असर दिखाई देने लगा है। 5 मई से ही आक्रामक रुख अपना रही चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA बीते 3-4 दिनों से इलाके में कुछ विशेष हलचल नहीं कर रही है और शांत है। सूत्रों के मुताबिक PLA ने उन इलाकों से पीछे हटना भी शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण किया था। वैज्ञानिकों का दावा, भारत में है एक अलग तरह का कोरोना वायरस। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना संक्रमित लोगों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस 2 का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल ये दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादातर पाया गया है। विजय माल्या के आज रात भारत लैंड करने की खबरों पर ईडी ने किया सफाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ब्रिटेन विजय माल्या को किसी भी वक्त भारत भेज सकता है। कहा जा रहा था कि उसका प्लान बुधवार रात को ही मुंबई में लैंड करने वाला है, लेकिन अब प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने इन खबरों का खंडन किया है। ईडी का कहना है कि ये गलत खबरें हैं, अभी इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। केरल में हाथी की बेदर्द हत्या पर गंभीर है सरकार, जल्द पकड़ा जाएगा दोषी। केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केरल में हाथी की हत्या पर केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है। हम सही तरीके से जांच करने और अपराधी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पटाखे खिलाकर जानवर को मार देना भारतीय संस्कृति नहीं है। केरल में प्रेग्नेंट हाथी की मौत पर रतन टाटा ने जताया दुख, कहा न्याय होना चाहिए। रतन टाटा ने एक हाथी का कैरिकेचर टूट गया जिस पर उनके हस्ताक्षर के साथ लिखा है, मैं ये जानकर बहुत दुखी और हैरान हूँ कि कुछ लोगों के एक समूह ने एक मासूम को कोई हानि न करने वाले प्रेग्नेंट हाथी की हत्या उसे पटाखों से भरा खिलाकर कर दी। मासूम जानवरों के प्रति ऐसे आपराधिक काम सोची समझी रणनीति के तहत इंसानों की हत्या से बिल्कुल अलग नहीं है, न्याय के जाने की जरूरत है। कोरोना संकट के दौरान मास्क पहने लुटेरे बने पुलिस के लिए मुसीबत। मास्क पहने हुए कुछ अपराधियों द्वारा बैंक ATM लूटने की कोशिश की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस के सामने ये एक और बड़ी चुनौती आ गई है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस अभी ऐसे अपराधियों से निपटने का रास्ता ढूंढ रही है। अधिकारी ने कहा कि ऐसे में जब कोरोना वायरस महामारी के चलते मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है, पुलिस के सामने इन अपराधियों की पहचान करना खासा मुश्किल हो रहा है। कभी सालाना बनाती थी 40 लाख साइकिल, बंद हुई देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर बुधवार को खबर आई कि देश की 69 साल पुरानी साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है। इससे कंपनी में काम करने वाले 450 कर्मचारियों के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले कई सालों से कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब कंपनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब ले ऑफ नोटिस में कंपनी के प्रबंधक ने कहा कि संचालकों के पास फैक्ट्री चलाने के लिए रकम नहीं है, कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को 3 जून से ले ऑफ करने के लिए कहा। लखनऊ के ज्वेलर्स को डर कहीं मास्क लगाकर ना आ जाए डकैत। लखनऊ सर्राफा संघ ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत कहा गया है कि ज्वेलर शॉप में जो ग्राहक आए तो सुरक्षा की दृष्टि से दुकानदार ग्राहकों के मास्क हटाकर मोबाइल से उनकी तस्वीर खींच ले। लखनऊ में सर्राफा एसोसिएशन ने आज यह एडवाइजरी जारी कर ज्वेलर्स को आगाह किया है जिससे होने वाले हादसे से बचा जा सके। DRDO ने बनाया बैकपैक, अब PPE किट में पसीने से मिलेगा छुटकारा। DRDO ने कोरोना वायरस से मेडिकल कर्मचारी को बचाने के लिए नए तरीके का PPE किट तैयार किया है। DRDO की इस PPE किट के अंदर 500 ग्राम का छोटा बैकपैक होगा जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पसीने से तर बतर आदमी को आराम देगा और ठंडा रहेगा। DRDO अधिकारी के मुताबिक ये उत्पाद अस्पतालों में लंबे समय तक PPE कवर पहनने वाले मेडिकल कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगा। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट, सरकार ने लिया फैसला। केंद्र की मोदी सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का फैसला लिया है। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिली। इस साल 25 फरवरी को हुई बैठक में कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट
रखने का प्रस्ताव रखा था। पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट के एक समारोह में ये घोषणा की गई थी कि कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा।